आप भी आने वाले समय में बहुत ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो? हाँ जी दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको बहुत सारा पैसा बना के देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वन बाय वन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जिस बंदे को इस वीडियो का नीड है उसे आप शेयर कर सकते हो, जिससे उसका भी फायदा हो सके। मैं ऐसा स्टॉक आपको बताता हूँ जो ट्रेंडिंग में होते हैं एंड उसके जो फंडामेंटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारा पैसा बना के देगा। अभी आप लोग देख सकते हो 6 महीने के अंदर 46% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है इस स्टॉक ने। मैं बात करूँ 1 साल का तो 1 साल के अंदर 123% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। एंड मैं बात करूँ 5 साल का तो आप लोग देख सकते हो 5 साल के अंदर 775% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं इसमें इन्वेस्ट करने का वो आपको रीज़न बताऊं, तो आप इसमें इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हो कि ये एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो जितना ज़्यादा इंडिया ग्रो होगा तो डिफेंस सेक्टर उतना ज़्यादा ही मजबूत होगा, तो ये स्टॉक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और ये स्टॉक एक क्या बोल सकते हैं, इससे बता सकते हो कि एक गवर्नमेंट स्टॉक है, तो गवर्नमेंट स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक होता है, इसमें पैसा डूबने का चांस बहुत कम होता है। एंड इसमें इन्वेस्ट करने का मैं और रीज़न बताऊँ तो आप लोग देख सकते हो जो इसमें प्रमोटर होल्डिंग है वो इसमें 51% है, तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छा है। एंड जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इसमें 16% है। एंड मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग का, तो आप लोग देख सकते हो म्यूचुअल फंड होल्डिंग अभी तो घट रहा है क्योंकि प्राइस अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। फिर भी जब ये स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिले, जैसे 250 पे और या 275 रुपये पे, तो आप इसमें इन्वेस्ट करते रहें। एंड इसमें जो फॉरेन कंट्री के बंदे हैं आप लोग देख सकते हो इसमें 17% इन्वेस्ट कर रखे हैं। एंड मैं और बात करूँ प्रॉफिट एंड सेल्स एंड ग्रोथ के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो जो कंपनी ने सेल्स किया 3 साल के अंदर वो ऑलमोस्ट 13% का सेल्स किया। एंड 5 साल के अंदर जो सेल्स किया है वो 11% ऑलमोस्ट किया है। एंड प्रॉफिट जो हुआ कंपनी को 23% का हुआ। एंड 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है एंड 16% का हुआ है। एंड मैं रिटर्न का बात करूँ तो 3 साल के अंदर रिटर्न आप ऑलमोस्ट इससे 70% मान सकते हैं। एंड 5 साल के अंदर जो रिटर्न है वो 54% आप कंसीडर कर सकते हो। एंड जो मार्केट कैप है इस कंपनी का वो 2,19,256 करोड़ रुपया है, तो एक मार्केट लीडर कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अब मैं बात करूँ कंपनी का नाम, ये इधर लिखा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इसे गूगल पे टाइप करके फर्दर रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।